नमस्ते भाई और बहनों, आपका इस चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो एक स्टूडेंट के लिए, आज जो कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन इंडिया में चल रही है तो उसका जो असर एजुकेशन सिस्टम पे जो हुआ है उसके लिए आज हमारा खास डिबेट शुरू है या पॉडकास्ट समझ लीजिए। तो उसके लिए हमारे साथ कुछ मेंबर जुड़ रहे हैं। पहले मेंबर है जिनके नाम में है वीन, ऐसे हमारे अश्विन। हेलो, थैंक यू प्रणव भैया फॉर द इंट्रोडक्शन। अभी इस पैनल के सेकंड मेंबर है रावण जैसी, इनकी है ताकत, द वन एंड ओनली मिस्टर श्रावण। वेलकम श्रावण। द थैंक यू। थर्ड मेंबर है हमारे अपने चहेते रामदेव बाबा के भक्त और प्रेम के पुजारी, मिस्टर मयूर जीरकर। हेलो। अपने अपने नेक्स्ट मेंबर बहुत खास है, जो रामदेव बाबा में पढ़ते हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जिनके ऊपर आप बीती बीती है। हमारे अपने जो करते नहीं है कुछ काम, होते रहते हैं शेख, हमारे अपने अभिषेक। थैंक यू प्रोफेसर फॉर योर इंट्रोडक्शन। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस यस। एंड यस नेक्स्ट मेंबर इज, फाइन, जो नेक्स्ट ग्रेट। मेंबर है आपका चहिता नेता, जो सबको है देता, उनसे भी कॉलेज जाके करता है धरना, आपका अपना धर्मा। थैंक यू गाइस, थैंक ओह यू। माय गॉड, वेलकम तो वेलकम यस वेलकम। गाइस, चलो गाइस, आज का जो डिबेट है, जो अपना चैनल का नाम है डिबेट, तो आज के इस पॉडकास्ट में अपन कुछ एक खास चीज डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी फिलहाल एजुकेशन सिस्टम चल रही है इंडिया में, उसका स्टूडेंट के ऊपर कितना मेंटली प्रेशर है, जो एग्जाम होने वाली है नहीं होने वाली, इस कंफ्यूजन में आज जो हर एक स्टूडेंट जो आज पढ़ रहा है, जो सोच रहा है कि एग्जाम होंगी नहीं होंगी, उसका असर स्टूडेंट पे कैसा गिर रहा है, इसके ऊपर का आज डिस्कशन है। तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से जो अभी सिचुएशन है पैंडेमिक की, उस हिसाब से देखो अगर, तो ऑनलाइन जो सोर्सेस है हर एक को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम तो होनी नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो होता है, यूनिवर्सिटी का काम है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको नॉलेज देना। ठीक है, वो अभी जनवरी से, जब से लॉकडाउन लगा है मार्च फेब्रुवरी से, तो तब से अब तक उन्होंने कुछ भी नॉलेज इम्पार्ट किया नहीं है, तो उसके बेसिस पे वो लोग एग्जाम भी नहीं ले सकते फुल सिलेबस पे। चलो सिलेबस कम भी कर देंगे अगर, तो भी अभी एग्जाम इस पैंडेमिक में लेना पॉसिबल है ही नहीं। सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अदर वेज निकाल सकते हैं, बट अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो हर किसी के पास में वो ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे आपको कि आप एग्जाम दे सको। तो मेरा ये बोलना है कि एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, या तो ऑब्वियसली वो जो था एक डिसीजन की सबको पास कर दिया जाए, वो भी एक ऑप्शन रहेगा हमेशा। श्रावण, आपको क्या लगता है? स्कूल की एग्जाम तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यानी 10th भी है, 10th के तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे सारे पेपर। एक पेपर शायद 10th का एसएससी का नहीं हुआ था, तो वो तो शायद कैंसिल ही होने वाला है या नहीं लेने वाले है। उसके बाद में 12th का तो अभी रिजल्ट आया है, बट 12th के केस में कैसा प्रॉब्लम है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं हुए है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें वो सीट्स कैसे स्टूडेंट्स को अलॉट करेंगे? यानी क्या प्रोसेस होगा, क्या रहना चाहिए? यानी ये सिचुएशन अभी बहुत अनक्लियर है। एंट्रेंस एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा, इतना तो फिक्स है, बिना उसके एडमिशन देना इम्पॉसिबल है। तो वो केस में क्या सिनेरियो आगे आते हैं, आपको देखना पड़ेगा। आप सबके क्या व्यूज है इस पे? मयूर जी, मयूर जी आपका माइक म्यूट है, कुछ बोलिएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और जितना भी मटेरियल और जितने भी स्टडी है वो सब सब ऑनलाइन करना चाहिए। वैसे भी एग्जाम लेके सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, सब भीड़ होने वाली है एग्जाम लेने से। सो इट्स बेटर टू बी हैव सोशल डिस्टेंसिंग, टू बी हैव इन होम, क्योंकि अपनी लाइफ ज्यादा मैटर करती है एग्जाम से। अच्छा, अगर लाइफ नहीं रहेंगी तो एग्जाम देके भी कुछ फायदा नहीं है। सो मुझे लगता है कि एग्जाम लेनी चाहिए, लेकिन
वी शुड वेट, एक साल गया वेस्ट तो सभी एक साल पीछे जाने वाले, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. सो एवरीवन विल बी ऑन द सेम पेज, जब भी स्टार्ट करना है तो फिर से स्टार्ट करेंगे. अभिषेक आप पे क्या रहा है, आप तो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आपको आप क्या चाहते हो कि ये एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा ऐसा कहना है कि जैसे कि मार्च में लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये बोला गया था ठीक है अभी अप्रैल में होगी एग्जाम, नहीं अप्रैल में हो पाई, लॉकडाउन बढ़ गया, तो मैक्स टू मैक्स जुलाई बोला गया था कि 1 to 15 जुलाई के बीच में एग्जाम ले लेंगे. तो एक लिमिट होता है, मतलब ठीक है 1 महीना 2 महीना चलता है, हाँ इतने देर बच्चे पढ़ के मतलब दे देंगे एग्जाम, बट अभी 4 महीना सितंबर एंड में आप एग्जाम देंगे, फिर उसका रिजल्ट समझिए नवंबर दिसंबर में लगेगा, तो उसके बाद में उसमें भी अगर किसी का बैकलॉग आ गया तो वो और एक्सटेंड हो जाएगा आगे. सो बच्चे का फ्यूचर 1 साल का तो वैसे ही मतलब बर्बाद हो जाएगा. और अभी जो सिचुएशन चल रही है तो स्टूडेंट पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, वो कोरोना का टेंशन ले कि एग्जाम का टेंशन. सो मुझे भी ऐसा लगता है कि एग्जाम अभी नहीं होनी चाहिए. I got a point. जैसा अभी मयूर भाई ने बोला कि सब 1 साल पीछे हो जाएंगे, तो देखो अगर समझो 6 महीने से पहले एग्जाम डिले हो गई, एग्जाम होनी चाहिए थी अप्रैल मई में जो भी है, ठीक है, वैसे ही 3-4 महीने डिले हो चुकी है, और 6 महीने बाद अगर बोलते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी बोलती है कि अब हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, 6 महीने तो उनके वेस्ट हो गए, फिर एग्जाम कंडक्ट करेंगे, एग्जाम कंडक्ट करने के बाद में कुछ फेल होंगे कुछ पास होंगे या वो जो भी सीनरी होगा. अभी जो स्टूडेंट समझो फॉरन में लगे या कोई बड़ी कंपनीज में लगे हैं, वो कंपनीज बुला रही है उनको कि आप अपनी डिग्री के बेसिस पे आ जाओ, या ऐसे जो भी सिचुएशन है स्टूडेंट्स की, तो वो इधर हैम्पर हो जाएगा पूरा, क्योंकि एग्जाम तो नहीं हो रही है, पास तो नहीं हो रहे बच्चे, और आप उधर ऑफिस में बुला रहे हो, तो अगर वो उस वजह से अगर लोगों की जॉब जा रही है या किसी बड़ी एस्टीमेटेड ऑर्गेनाइजेशन की जॉब लगी है उसमें से अगर वो मिस आउट कर दे रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी, उसका एक सोल्यूशन. एग्जैक्टली अभी जैसे आप देखें अभी नवंबर दिसंबर अक्टूबर ये महीनों में बैंक पीओ की एग्जाम होती है, तो जैसे मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे पास अभी डिग्री होती प्रोविजनल डिग्री भी होती तो शायद मैं उस पर अप्लाई कर पाता, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कि भाई पास है कि फेल है, तो मैं वो फॉर्म भी नहीं भर सकता, और मतलब ये पूरा साल गया, अब मेरे को सीधे अगले साल के अक्टूबर नवंबर में मैं बैंक की पहला अटेम्प्ट कर दे पाऊंगा. सो अभी तक अगर कुछ डिसीजन आ गया होता तो शायद मैं उसमें अप्लाई कर पाता. मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे कि एग्जाम 1 साल लेट करना या 6 महीने लेट करना, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन दिया है कि आप एग्जाम लो, तो ये बराबर है या नहीं है? इसका इम्पैक्ट क्या होगा एक स्टूडेंट के लाइफ पे या एजुकेशन सिस्टम पे या फिर जो भी स्टूडेंट. हेलो कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंप्लीट कीजिए. जो भी स्टूडेंट फॉरेन पढ़ने जाते हैं, जो गवर्नमेंट पास कर देंगी उनको, तो उनका जो रैंक है वो बराबर नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कत आती है हर चीजों में, तो उसका उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए? देखिए सॉल्यूशन तो यही है कि जिसको अभी अगर एग्जाम नहीं देना है, जो सेटिस्फाई है कि अगर एवरेज बेसिस पे मार्क्स देके पास कर दिया जाए तो उसको ऐसे कर देना चाहिए. और जो स्टूडेंट्स लोग अपील कर रहे नहीं हम और अच्छा स्कोर कर सकते थे, एवरेज मार्क्स से ज्यादा ला सकते थे, तो उनके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए कि मतलब आप अपना अटेम्प्ट जब भी ये कोरोना वायरस पैंडेमिक कम होगा या खत्म होगा आप उस टाइम पे एग्जाम दीजिए और वो स्कोर आपके लिए वैलिड रहे. तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है. आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में अमरावती यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक वोटिंग लिया था, वहां पे स्टूडेंट को पूछा गया था कि एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उस सर्वे में ऐसा देखा गया कि 60% लोगों ने बोला कि एग्जाम मत लो, ओनली 40% वो एग्जाम ले होनी चाहिए, वो चाहते कि हम जाके एग्जाम सेंटर में जाके बैठे और हम एग्जाम दे. हाँ तो फाइनल ईयर के जो भी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले को तो यानी प्रमोट कर देना चाहिए, एक सेमेस्टर तो अभी वैसे ही निकल चुका है ना, प्रमोट वैसे भी तो प्रमोट कर दिया है ना. बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा है, पंजाब है, उन्होंने तो उनको पहले मतलब पास आउट कर दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड को. प्रॉब्लम जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए. यस यस वही
जैसे अभिषेक ने बोला कि एवरेज निकाल के यानी जो भी फाइनल रिजल्ट है वो यानी हमको दे दो, प्रोविजनल डिग्री दो एटलीस्ट, कि कुछ भी एग्जाम्स आए, कुछ भी नई अपॉर्चुनिटीज आए तो एटलीस्ट उसके लिए अप्लाई कर सके। बट अभी उनका कितना टाइम, नॉर्मली उनका एग्जाम अप्रैल मई में खत्म होता था ना फाइनल ईयर का, right. अभी अभिषेक फाइनल डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज जून जुलाई तक भी चलता है एग्जाम। हाँ तो वही अभी अच्छा। जल्दी डिसीजन आना चाहिए जो भी है वो, तो वो लोग भी यानी समझ सके कि क्या करना है आगे, कैसे प्रोसीड करना है। गाइस क्वेश्चन ये है कि क्या मार्कशीट स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करती है, या जो कौन सा भी स्टूडेंट कौन से जॉब में जाता है या किसी जगह या उसका सिलेक्शन होता है तो वो सिर्फ उसके मार्कशीट पे होना चाहिए या उसकी क्रेडिबिलिटी पे या उसके एबिलिटी पे होना चाहिए? जैसे आपने की बोला मार्कशीट मैटर करता है कि नहीं, तो आप मुझे बताइए कि जैसे मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो जब हम सेवेंथ सेमेस्टर में जाते हैं, हम फाइनल ईयर में एंटर करते हैं, उस टाइम हमारे पास डिग्री नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कंपनी आती है हायर करने, तो वो ये नहीं देखती है कि भाई ये एट सेमेस्टर पास हो गए नहीं, वो जब इंटरव्यू लेती है, वो जब इंटरव्यू लेती है तो वो सेवेंथ सेमेस्टर के बेसिस पे देती है। अगर उसको जॉब देना ही होता मतलब मैटर करता था इंजीनियरिंग का, तो फिर वो पूरे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में कैंपस हायरिंग करने आया ना, वो सेवन स्टेप इट मींस आपका बोलने का मतलब ये है, सॉरी टू क्रॉस यू, आपका बोलने का मतलब है कि आप एग्जाम मत लो, एग्जाम नहीं लोगे तो भी चलेगा और नहीं दोगे आप सेवन स्टेप। श्रवण जी कुछ बोलना चाहते हैं? छह सेमेस्टर के बेसिस अभिषेक शायद हमारे अभी एट सेमेस्टर उन्होंने पास नहीं किया है, जो भी कंपनी हायर करती है उनका क्राइटेरिया रहता है कि 8 सेमेस्टर बिना बैकलॉग के उसका पास होना चाहिए, तभी वो जो जॉब की ऑफर दे उसको प्रोसीड करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जॉब दिया गया है वो तो स्टूडेंट की एबिलिटी देख के दिया है ना, मतलब उसके अभी तक उसने जो किया है उस पे दिया ना, उसने भी नहीं देखा 8 सेमेस्टर क्या होगा, मैंने भी देखा है जस्ट मैं आपको रूल बता रहा हूँ अभिषेक, जॉब दिया है लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया होगा ना, 60 अबव 65 अबव मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम क्राइटेरिया ठीक है आप, लेकिन मैं ये कह चाह रहा हूँ कि मेरा एक सेमेस्टर नहीं हुआ था फिर भी जॉब मिली थी, तो मुझे लगता है अभिषेक का बोलना ये है कि जो उसको उनको जो जॉब मिली है जो आज जो कंपनी उनका जो ऑफर लेटर है वो उनको 7 सेमेस्टर के बेसिस पे मिली है ना कि 8 सेमेस्टर के बेसिस पे, तो उनका बोलना है कि एक सेमेस्टर से अगर तुम 7 पे तुम मेरे को जॉब दे सकते हो तो आफ्टर 8 भी तुम जॉब देना चाहिए, और जो लोग बोल रहे कि पास करना नहीं चाहिए वो बात गलत है, एग्जाम नहीं लेना चाहिए यही एक सही डिसीजन है ऐसा अभिषेक को लगता है, ऐसा मेरा मानना है। राइट अभिषेक, मैं भी अग्री करता हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि एग्जाम अगर लेते हैं तो फिर सर्टेनिटी रहेगी कि वो पास होता है कि नहीं, कई स्टूडेंट जिनको जॉब लग गई है समझ लो बाय चांस वो फेल कर देंगे, और जो की मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे की मैं जिस कंपनी में प्लेस हुआ हूँ तो वो कंपनी को जब मेल करते है की सर हमारे जॉइनिंग का क्या होगा, आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, तो उन लोग का कहना है कि हमारे साइड से नहीं रुका हुआ है, हम अभी भी आपको ज्वाइन करने को तैयार है, आपका कॉलेज क्लियर कर दे कि भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, मतलब उनको भी इतना नेसेसरी नहीं कि आप 8 सेमेस्टर दो ही, वो लोग अभी भी सेटिस्फाई कि ठीक है आप कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री ला लो और आप जॉब ले जाओ, तो कंपनी भी वो नहीं कर रही फोर्स एग्जाम होना चाहिए, तो फिर वही है कि एक तो डिग्री दे देना चाहिए जो भी प्रोविजनल है, अभी के सिचुएशन में ना क्लॉज तो है कि 8 सेमेस्टर पास करना ही चाहिए जो भी है, आगे की अपॉर्चुनिटीज तभी खुलती है जब आपके पास डिग्री है या मार्कशीट और बाय चांस मान लो एग्जाम करवाना है, तो बहुत सारी जगह पे एग्जाम करवाया गया और वहां पे सबको मालूम है कि बहुत सारे कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस भी आए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, गवर्नमेंट देगी पैसा कि ये पॉजिटिव एग्जाम दे रहा है, स्टूडेंट की लाइफ क्या स्टूडेंट की लाइफ खतरे में डाल के उनका फ्यूचर बनाना है या फिर उनको सेफ रख के आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना है? आपने पार्लियामेंट चालू नहीं करवाया है, पार्लियामेंट को नहीं जा रहा, आप स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वो एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दे, लिखकर शो शुरू है भाई, देखो आई हैव अ पॉइंट, देखो यस यस आप गए थे क्या लिखकर शो,
नहीं 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 लाइन में खड़ा था सिर्फ उसके लिए. ओके बहुत कम आया मैंने उसमें. देखो 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 वो उससे तो लिया है. यूजीसी ने अपने जितने भी स्टेट्स है सबको गाइडलाइंस भेजी थी शायद जून. सॉरी टू इंटरप्ट यू अश्विन, जिन लोगों को यूजीसी पता नहीं है, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी बनने के लिए. समझ रहे हो? वो एग्जाम कैसे कंडक्ट करना कैसे नहीं करना वो सब डिसीजन रहता है यूजीसी का. और ये यूजीसी और वर्सेस जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका डिसीजन आना बाकी है. सो लेट्स कंटिन्यू अश्विन, आप जो बोल रहे थे बोलिए. जून जून स्टार्टिंग में यूजीसी ने गाइडलाइंस दी थी सारे स्टेट्स को कि आप एग्जाम कंडक्ट करो, तो उसमें से छह स्टेट्स ने उनको फॉलो किया नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली ऐसे जो स्टेट्स है जिसमें बहुत पेंडेमिक का इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो लोग ने गाइडलाइंस कुछ फॉलो किए नहीं. और ये सही था उनका एग्जाम जहाँ पे कंडक्ट हुए वहाँ पे अभिषेक त्रिपाठी, वहाँ पे जो केसेस थे वो बहुत ही लो थे जब एग्जाम हुए. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि आपको वायरस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग इतनी स्ट्रिक्टली कहीं फॉलो हो रही नहीं है, इसलिए अभी थाउजेंड्स में केसेस आ रहे हैं पूरे इंडिया में इतना लॉकडाउन लगाने के बाद भी. तो सेम कंडीशन एग्जाम्स में भी रहने वाली है कभी भी. ऐसे सिचुएशन में आप अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हो तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए, जो कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली. ये तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में या तो दिल्ली में जहाँ पे कोरोना वायरस केसेस बहुत आ रहे हैं वहाँ पे आप एग्जाम कंडक्ट कराओ. किसी भी कुछ भी गाइडलाइन दे दो आप एग्जाम कंडक्ट करना ऑप्शन है ही नहीं आप. सो गाइस मेरा और एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सीधे डायरेक्ट मूव करते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर. मेरा ये क्वेश्चन है, अगर एग्जाम कंडक्ट हुई क्या जो स्टूडेंट अपने अपने घर गए, अपने अपने विलेज गए हैं, अपने अपने गाँव गए है, तो उनको वहां पे आना, उनको ट्रैवलिंग करना या उनको बस ट्रेन फ्लाइट अवेलेबल होना कितना पॉसिबल है? और जो एग्जाम कंडक्ट होंगे, जो सेंटर्स होंगे, जो हॉल होंगे, जो कॉलेजेस होंगे, उसमें कौन सी प्रिकॉशन लेना जरूरी है? और एक ये जो स्टूडेंट है वो कैसा इस चीज से टैकल करेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि ट्रैवल बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी केसेस ट्रैवलिंग से ही ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. ट्रैवल एग्जाम कैसे कंडक्ट करें? एक सर्वे निकल के आया था अभी, कंडक्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइड की गई थी स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से, तो उनमें 30-40% कैंडिडेट जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उनके पास में ही वो सोर्स गए थे. बाकी जो थे 60% जो मेजोरिटी थी, उनके पास में ना डिवाइसेस थे, ना प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी थी जिससे कि वो मतलब एक्सेस कर सके उस चीज़ को. कि हमारा अभी भी कंट्री हमारी इतनी डिजिटलाइज नहीं हुई है कि सबके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, सबके पास 4G फोन हो, स्मार्टफोन हो. हेलो, अभी मेरे दोस्त जो आ रहा है आपका आवाज. तो गाइस आपके लिए एक लास्ट आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं. महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 यूजीसी सेज स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू कैंसिल एग्जाम्स. तो यूजीसी ने क्लियर बोल दिया है कि जो हम बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा. मैं यही बोल रहा हूं. बट यस बोल रहा है, विषय बोलिए. बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट, जिसमें लिखा गया है कि मतलब राइट टू कन्फर द डिग्री, तो उसमें लास्ट जो प्रेफरेंस रहता है डिग्री प्रोवाइड करने का स्टूडेंट को, वो यूनिवर्सिटी को दिया गया है. तो कैसे बोल सकते हैं कि मतलब यूजीसी ने यूजीसी बहुत ही मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है. यूजीसी जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, उसको इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होना चाहिए. देखो अगर यूनिवर्सिटी डिग्री देती है विदाउट कंसर्न ऑफ यूजीसी, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहती, ये क्लियर है. ठीक है, इस पे अगर समझो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट नहीं अप्लाई कर रही है और दे रही है डिग्री, और उसका कंफर्मेशन यूजीसी नहीं दे रही है, तो साथ में आप अगर मतलब अथॉरिटिकली उसको देखते हैं तो वो एक फेक डिग्री होगी, उसको तो वैल्यू नहीं रह जाएगा. यूजीसी ने कंफर्म करना चाहिए कि आप मतलब हमारे थ्रू सब सर्टिफाइड है और आपको डिग्री मिल रही है. ऐसे स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से डिग्री नहीं दे सकती है.
इसलिए यूजीसी जो है वो कंप्लाई कर रही है कि उसका वो जो बोल रही है वैसा करना पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, महाराष्ट्र वो फॉलो नहीं कर पा रहा है अभी करंट सिचुएशन देख के। ऐसे कई स्टेट्स है, अकेले महाराष्ट्र नहीं है। अब ये अपन कंफ्यूजन पे पूछते हैं, तो ये चीज का कंफ्यूजन क्या है आपके लिए? देखो स्टार्ट करते हैं अभिषेक से। अभिषेक हां, इंडिविजुअली अपना बताओ। देखिए मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं, मुझे एक्चुअल शॉर्ट एंड स्वीट बोलना है भाई। मुझे एक्चुअल मेंटल स्ट्रेस क्या है वो मुझे पता है, पढ़ाई छोड़े लंबा अरसा हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहोगे कि सितंबर में ले लेंगे एग्जाम, तब नहीं हुआ तो नवंबर में ले लेंगे। फरवरी मार्च का पढ़ा हुआ, वो भी आधा कोर्स कंप्लीटेड है, तो एग्जाम लेना मुझे लगता नहीं कि सही ऑप्शन है। देखो ओके, सो श्रवण आप बोलिए। अश्विन बोलना चाहते थे लेकिन श्रवण को बोल दीजिए। इंजीनियरिंग फाइनल सेमिस्टर को सब सिचुएशन रिजॉल्व करके डिग्री दे देना चाहिए, जो भी एवरेज निकलता है उसके हिसाब से। और बट उसके साथ ही हमको ट्वेल्थ का जो सिचुएशन है उसके लिए एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा, और उसको हमको वे ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से हम यानी सब प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो करके एग्जाम ले एंट्रेंस की जल्दी से जल्दी वो भी। ओके, मतलब आपका मतलब है कि एग्जाम लेना चाहिए, राइट? अश्विन आप बोलिए। देखो हाँ, जैसे श्रवण ने बोला पर्टिकुलर एक किसी फील्ड के लिए जो एग्जाम करनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, जैसे सीटी हो गई, जेई वगैरह की हो गई, वो उसका कुछ सोल्यूशन निकाले गवर्नमेंट, कोई एक कलेक्टिव मेजर्स लेके हर एक स्टेट से डिस्कस करके एक उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकलना चाहिए उसके लिए, उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। ऐसा भी है कुछ एग्जाम नहीं जरूरी है, कुछ एग्जाम बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब से गाइडलाइंस बननी चाहिए। तो मयूर जी आपका राय? मेरे हिसाब से भी एग्जाम लेनी चाहिए, मतलब बट विद सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि एग्जाम नहीं लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन, एग्जाम होनी चाहिए प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो गाइस आप सब लोगों ने, आप जो आज यहाँ पे जो पैनल में जुड़े हैं, उन सब का जो कंफ्यूजन है जो आप बोल रहे हो कि जो स्पेसिफिक एग्जाम्स है आफ्टर 12th जैसे JEE CET जिसके ऊपर फ्यूचर डिपेंड है, जो मेडिकल एग्जाम्स है वो कंडक्ट करना चाहिए, और जो इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम्स नहीं है उनको आगे पास आउट करना चाहिए, राइट? राइट। सो यही विनती है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी से, कि आप इस पूरे सिचुएशन को इस वे से हैंडल करिए जैसे कि अपना बेटा पढ़ रहा हो। सो थैंक यू गाइज, आप सभी लोगों ने अपना आपका कीमती टाइम दिया इस चैनल के लिए। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू गाइज, थैंक यू।